गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसका नाम है एल्काइल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर एक की बात कर रहे हैं। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या जो बीएससी बीएड सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उन्होंने 12th क्लास के अंदर इस चैप्टर को पढ़ा है और चैप्टर को पढ़ा था किस नाम से, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स, ऐसा चैप्टर पढ़ा था। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हेलो एल्केन्स चैप्टर है वो अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। अपने 12th क्लास में एक साथ पढ़ा था, सबसे पहले रिएक्शन वाला चैप्टर यही आया था। इस हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड कह सकते हैं, अपने हिंदी में एल्किल हैलाइड और इंग्लिश में एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक तो एल्काइल हैलाइड ही है, या फिर बोल सकते हैं अपने एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, उसके साथ कहीं ना कहीं हैलोजन जुड़ा हुआ है। हैलाइड किसके लिए आया है? हैलोजन के लिए। हमारे पास हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला है जिसके साथ कहीं ना कहीं हैलोजन जुड़ा होता है, तो उसको एल्काइल हैलाइड बोला जाता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हैलोजन के द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड एल्काइल हैलाइड होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि CH4 था हमारे पास एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसने कर दिया? Cl ने कर दिया, और इसीलिए इसको जो बना हुआ कंपाउंड है उसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, या फिर उसको बोलेंगे अपने क्लोरो एल्केन, या बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसी प्रकार किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कितने हैलोजन के द्वारा कर दिया जाता है, तो उस आधार पर हम इनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा में डिवाइड कर देते हैं। तो CH3Cl है, एक ही Cl जुड़ा हुआ है, तो मोनो क्लोरो व्युत्पन्न हो गया, या मोनो क्लोरो मेथेन हो गया हमारे पास एक ही कार्बन। मान लो इसके साथ ये दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है तो दो Cl जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोमेथेन। क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोमेथेन। तो ये तो बन गया मोनोहैलोजन व्युत्पन्न, ये तो बन गया मोनोहैलोजन डेरिवेटिव या मोनोहैलोजन व्युत्पन्न बन गया, और ये बन गया डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डाई हैलोजन व्युत्पन्न। मान लो ये तीन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देता है तो इसको बोला जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, या इसका साधारण नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं अपने। तो ये क्या बन गया? ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न बन गया, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, अगर मान लो कार्बन से सारे ही हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन प्राप्त हो जाएगा हमें।
या कार्बन टेट्राक्लोराइड कह सकते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड कह सकते हैं अपने। और ये क्या बन गया, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव प्राप्त हो गया हमें। इतने सारे हैलाइड्स हैं हमारे पास, ये हैलाइड्स हमें पढ़ने इस चैप्टर के अंदर। तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन के द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड एल्काइल हैलाइड होता है। ये मोनो हैलाइड्स हो गए, ये डाई हैलाइड्स हो गए, ट्राई हैलाइड्स हो गए, टेट्रा हैलाइड्स हो गए। इन सभी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इनके इनको सामान्य भाषा में आरएक्स से भी शो किया जाता है एल्किल हैलाइड को, एल्काइल और हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। इनका जो वर्गीकरण है अगर उसकी बात करते हैं हम, तो आता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। या इसको बोला जाता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। CH3 और CH2X, CH2 के साथ X जुड़ा है वो प्राइमरी होगा। लेकिन डेफिनेशन ये कहती है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो 1 डिग्री हो जाएगा। तो अपने को प्राथमिक एल्किल हैलाइड CH3 और CH2 और X जुड़ा हो तब भी ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि हैलोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा है वो CH2 है, प्राइमरी होगा। सीधी सी बात, CH2 के साथ अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी होगा, CH के साथ जुड़ा हुआ है हैलोजन तो सेकेंडरी होगा, C के साथ जुड़ा है तो टर्शियरी होगा। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी डेफिनेशन क्या कहती है वो भी बता देती हूँ। अगर हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर एक ही कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, और जब हैलोजन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ही जुड़ा हुआ है इसके साथ जुड़े हैं उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। या बोल सकते हैं हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो CH3 और इसके साथ जुड़ा, तो किसके साथ जुड़ा है, CH के साथ। और डेफिनेशन ये कहती है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, 2 के साथ, तो क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया, कह सकते हैं अपने ऐसे। तीसरा आता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। या बोल सकते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब देखिए, अगर कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो टर्शरी होगा। डेफिनेशन ये कहती है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कितने अन्य कार्बन के साथ जुड़ा है, तो 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं
कि एल्किल हैलाइड संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड होता है एल्काइल हैलाइड मोनोक्लोरोमेथेन मोनोहैलाइड्स, डाइक्लोरोमेथेन डाइहैलाइड्स, ट्राइक्लोरोमेथेन ट्राइहैलाइड्स और टेट्राक्लोरोमेथेन टेट्राहैलाइड्स। क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के आधार पर करते हैं तो प्राइमरी वन डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जब CH2 के साथ X हो जुड़ा हो, CH के साथ X जुड़ा हो, C के साथ X जुड़ा हो तो इनको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कह सकते हैं। सबसे पहले हम मोनोहैलाइड्स को पढ़ेंगे, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे मोनोहैलाइड्स को, मेन मोनोहैलाइड्स उनका नामकरण, उनके बनाने की विधियाँ, उनकी केमिकल रिएक्शंस ये सारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है नामकरण। नामकरण करने के लिए हमारे पास चार हैलोजन है। Cl के लिए लिखेंगे क्लोरो, Br के लिए लिखेंगे ब्रोमो और I के लिए लिखेंगे आइडो और F के लिए लिखेंगे फ्लोरो। सबसे पहले इसके अंदर सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और अगर प्रतिस्थापी या एलोजन आ रहे हैं तो उसका भी चयन करेंगे और नाम लिखने के आधार पर पहले हैलोजन का नाम, फिर प्रतिस्थापी का नाम, फिर मुख्य श्रृंखला का नाम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हैलोजन प्रतिस्थापी का नाम, हैलोजन्स का नाम, हैलोजन्स का नाम फिर प्रतिस्थापी फिर मुख्य श्रृंखला। नंबर एक हमारे पास CH3Cl है तो एक ही है इसलिए वन क्लोरोमेथेन, वन क्लोरोमेथेन। अगर हमारे पास CH3CH2Cl है तो वन और टू तो वन क्लोरो एथेन। अगर हमारे पास CH3CH2CH2Cl या Br लिख लेते हैं तो एक दो और तीन तो क्या हो जाएगा वन ब्रोमो प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमारे पास CH3CH CH3 और इसके साथ Br जुड़ा हुआ है तो एक दो तीन तो लिख देंगे टू ब्रोमो प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन। अगर हमारे पास ऐसे है CH3CH Br CH2 और CH3 तब इधर से करेंगे अपने और दो नंबर पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो टू ब्रोमो और टोटल कार्बन कितने हैं चार तो टू ब्रोमो ब्यूटेन क्या हो जाएगा टू ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐसे हो CH3CH CH3 CH2 और Cl एक दो तीन तो लिखेंगे वन क्लोरो टू मेथिल
और तीन कार्बन है तो प्रोपेन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इस आधार पर सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, प्रतिस्थापी का भी चयन करेंगे। Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो लगाएंगे और नामकरण करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, प्रतिस्थापी का चयन, नाम एलोजन का नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, मुख्य श्रृंखला CH3 के साथ Cl जुड़ा हुआ है तो 1-chloroethene, इसके साथ Cl 1-chloroethene, एक नंबर पर 1-bromopropane, दो नंबर पर Br तो 2-bromopropane, दो नंबर पर Br तो 2-bromobutane, और अगर हमारे पास यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है Cl तो हो गया 1-chloro-2-methylpropane। तो इस आधार पर हमने इस चैप्टर की शुरुआत की, इसके क्लासिफिकेशन और कितने प्रकार के हैलाइड्स होते हैं उनकी बात कर ली हमने, नामकरण की बात कर ली। अब हम मोनो हैलाइड्स के बनाने की विधियाँ और रासायनिक अभिक्रियाओं की शुरुआत करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।